लखनऊ में 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवध शिल्पग्राम में यूपी दिवस समारोह का आयोजन होगा। सुबह 11 बजे सीएम योगी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल नंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। यूपी का गौरव बढ़ाने वाली प्रतिभाओं का सम्मान होगा। 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। अवध शिल्पग्राम में यूपी दिवस समारोह का आयोजन होगा। सीएम योगी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल नंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। यूपी का गौरव बढ़ाने वाली प्रतिभाओं का सम्मान होगा। दिवसीय समारोह का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी, लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं। अवध शिल्पग्राम में यूपी दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल नंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। यूपी का गौरव बढ़ाने वाली प्रतिभाओं का सम्मान होगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, अवध शिल्पग्राम में यूपी समारोह का आयोजन होगा जिसका शुभारंभ सीएम करेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? चौहत्तर साल पूरे होने पर आज उत्तर प्रदेश के अंदर में यूपी महोत्सव मनाया जा रहा है। बात करें तो राजधानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में यूपी महोत्सव का प्रारंभ सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, साथ ही सुबह की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मंत्रिमंडल के तमाम गणमान्य नेता मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के जो गौरव है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो पहचान है उस पर बातें की जाएंगी, और उत्तर प्रदेश की जो गौरव के रूप में कुछ विशेष लोगों को जो कहीं ना कहीं प्रदेश की जो कहीं ना कहीं छवि है या प्रदेश के लिए कुछ बेहतर काम किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे और प्रशस्ति पत्र देंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश महोत्सव के अवसर पे 3 दिवसीय एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है जो कि राजधानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में है, जहां उत्तर प्रदेश के विभिन्न उत्पादनों को भी प्रदर्शनी के तौर पर रखा जाएगा और लोगों को कहीं ना कहीं इससे आने का आमंत्रण भी दिया गया है। ये इवेंट है जिससे उत्तर प्रदेश की जो पहचान है, लोक संगीत है, कला है, या बात करें उत्पादन है, या ODOP के तहत यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत जिस जिले का जो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश के बाहर भी सुर्खियां बिटोर रहा है और उत्तर प्रदेश जान बन रहा है, उनको भी प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पंजाबी डांस से लेकर अलगुआ डांस से लेकर तमाम जो लोक संगीत कार्यक्रम है उनको भी मंचों से प्रस्तुति देते हुए कलाकार नजर आएंगे। साफ तौर से मेरी अगर देखे तो ये कार्यक्रम आज लगातार जो भी सरकार रही है तुम्हें मनाते आई है, अगर योगी आदित्यनाथ सरकार इसे भव्य तरीके से अवध शिल्पग्राम में मना रही है, कहीं ना कहीं जो ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नारा रहा है वो पूरी तरह से इस कार्यक्रम में नजर आएगा। आपको बताया कि कार्यक्रम में कई ऐसे रंगारंग कार्यक्रम भी किए जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इसमें बात की जाए तो देश के सुप्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास साथ ही साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सुर्खियों में आए करैया मित्तल और साथ ही बॉलीवुड की जगत के बड़े कलाकार कैलाश से आज अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। आपको बताया कि उनको सुनने के लिए प्रदेश के अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, साथ ही साथ लखनऊ वासी पूरी उनकी कहीं ना कहीं इसको लेकर अभी अगर देखे कार्यक्रम में धीरे धीरे उनका ज्यादातर सुनता शुरू होगा, जो शाम कलाकार जब वहां मौजूद होंगे तो भारी संख्या में लोगों की आने की बात कही जा रही है। साथ ही अगर बात करें तो सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम जमा किए गए हैं और पूरी अगर देखें तो पूरे ड्रोन कैमरे से और साथ ही साथ LRU की टीम में अगर शिल्पग्राम में घूमकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा और पुख्ता इंतजाम। विवांशु, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है तो इसमें कौन कौन से अहम कार्यक्रम होंगे और कहां कहां से लोग शामिल हो रहे हैं, किन किन वर्गों के लोग शामिल होंगे?
जी जरूरी आपको बात करें तो हर एक वर्ग के व्यक्ति सम्मिलित होगा, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, जो उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है उन्हें सम्मान दिया जाएगा। बात की जाए तो पूर्व की सरकारों में यश भारती जैसे अवार्ड दिए जाते थे उत्तर प्रदेश महोत्सव के अवसर पे, तो माना ये जा रहा है और सुर्खियां हैं और कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसे पुरस्कार से लोगों को नवाजेंगे और उसको लॉन्च करेंगे जो उत्तर प्रदेश को ठीक काम करने वाले लोग हैं दिया जाएगा। आज से माना जा रहा है उसकी शुरुआत की जाएगी और बात की जाए तो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और अगर बात करें तो प्रदर्शनी के तौर पर जो उत्तर प्रदेश का पहनावा है, उत्तर प्रदेश की पहचान है ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर एक जिले का हर एक अलग उत्पाद, उसको प्रदर्शनी के तौर पर रखा जाएगा और विभिन्न विभिन्न विभागों की तरफ से अलग अलग तरह के स्टॉल देखने को मिल सकते हैं। और तीन दिनों तक अगर बात करें तो तीन दिनों का ये प्रदर्शनी चलेगा, आज इसका शुभारंभ होगा और इसके प्रदेश भर से लोग शिरकत करेंगे। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। तीन दिवसीय समारोह का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी, लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं। अवध शिल्पग्राम में यूपी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।